जिस तरह से अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था, सिमिलरली इसी तरह आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी है ये उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके टाइम के लिहाज से तब्दील होता है, तो आपकी जो है वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। अब वेलोसिटी में भी सिमिलरली वैसी ही कंडीशंस होती हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की तरह वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का बताना जरूरी होता है कि आया कि आपकी किस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है आपकी जा रही है, किस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर या जिस बॉडी में आप ट्रैवल कर रहे हैं या अगर आप खुद ही ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी मशीन में किसी भी जरिए से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें कितनी वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई है। पर कह लीजिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आप टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर लेते हैं और वेलोसिटी जो है वो आपको वाई एक्सिस पर लेनी पड़ती है और आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके का इस सिचुएशन का आता है कि फर्ज कर लीजिए कि 2 घंटे में या 2 आवर्स में आपने जो है आपकी वेलोसिटी जो है वो तकरीबन 2 मीटर पर सेकंड ही तब्दील हुई है। फिर जो है 1 घंटा गुजरने के बाद यानी कि 3 आवर्स में फिर 2 मीटर पर सेकंड ही रही है। फिर 4 आवर गुजर गए और उस वक्त भी आपकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड ही रही है, यानी कि जितना मर्जी वक्त गुजरता चला जा रहा है अब आपकी वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही। और आप जानते हैं कि जब तक आपकी वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आती तब तक आपकी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर हमारी वेलोसिटी वक्त के लिहाज से तब्दील नहीं हो रही, यानी कि अगर आप यूँ कर ले इस बात को यूँ समझ लीजिए कि अगर आपकी वेलोसिटी में जो है वो तब्दीली नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती चली जा रही है और इसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसे आप ग्राफिकली इस तरह से बनाकर समझ सकते हैं, लेट्स सपोज ये 0 है आपके पास, देन 1 फिर 2 फिर 3 और 4, सिमिलरली 1 2 3 4। स्केल तो आप लोग खुद ही सेट कर लेते हैं कि जैसे कि ग्राफ पेपर में तो आपके पास स्केल बना होता है ना, उसमें डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, एक बिग बॉक्स होता है अगर आप बड़ा ग्राफ पेपर यूज करें तो उसके अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से अरेंज करके ग्राफ को बनाकर बजाय समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि 2 घंटे में उसने 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ट्रैवल की, फिर 3 घंटे में भी उसने 2 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी ट्रैवल की, फिर 4 घंटे गुजर के तब भी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही रही। तो इसका मतलब है इन सब पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं तो मुझे एक जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि पैरेलल है हमारे एक्स एक्सिस के। इस ग्राफ से मुझे ये पता चलता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है चेंज इन वेलोसिटी वो 0 है, यानी कि वेलोसिटी में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही। और जो वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही इसका मतलब है कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 है, एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ और हमारी जो बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रही है, कॉन्स्टेंटली जो है वो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है, उसकी वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं ये किसी कंडीशन में कह लेते हैं, लेकिन अगर मैं किसी ऐसी कंडीशन की बात करूं कि किसी वजह से कोई रास्ते में ख़राबी हो सकती है, आपकी गाड़ी में ख़राबी हो सकती है या रास्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं या किसी भी रीज़न की वजह से आपको इस तरह से आपकी वेलोसिटी वेरिएट करे कि वो चेंज होती जाए, यानी वक्त के लिहाज से हर घंटे में बहुत ज़्यादा तब्दील हो, तो उस सिचुएशन में चूंकि अगर आपकी वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर मैं इस बात को इस तरह से समझाऊं कि एक जो बॉडी है उसने इस ये कार फर्स्ट कर लीजिए, कार ने जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है इसे लेट्स सपोज फर्स्ट कर लीजिए कि उसने जो है वो 1 घंटे में ट्रेवल किया, उसके बाद उसकी वेलोसिटी 2 से भर के 3 मीटर पर सेकंड हो गई और ये तकरीबन उसके पास जो है वो उसने 2 घंटे में की। सिमिलरली फर्स्ट कर लीजिए कि अब इसकी वेलोसिटी 3 से भर कर 4 हो गई या 5 हो गई और ये इसने तकरीबन 3 घंटे या 4 घंटे में ट्रैवल कर ली, हम सपोज ही कर रहे हैं ना, तो सपोज कर लीजिए कि वेलोसिटी जो है वो वक्त के लिहाज से हर लम्हे तब्दील होती चली जा रही है।
तो जब वेलोसिटी जो है वो तब्दील होती चली जाए तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, हमारे पास जो है अगर वेलोसिटी तब्दील होती चली जा रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन को जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, इससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अगर मैं इसे ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये मेरा टाइम और ये वाली चीज जो है मेरी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और पर चलिए ये 0, ये 1 2 3 4, सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 आ गया। हमने क्या कहा, हमने ये कहा जी कि 1 घंटा जब गुजरा तब हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, जब 2 घंटे गुजरे तब 3 हो गई, जब 3 घंटे गुजरे हैं तब इसकी वेलोसिटी 4 हो गई। तो इस तरह से जो है आपके पास जब आप इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो 1 2 और 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा भी आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आ सकते हैं, और इन्हें जब आप इस तरह से मिलाते हैं, अगर आप इसे बाकायदा ग्राफ पे ड्रॉ करें, तो आपके पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि ये जाहिर करती है कि आपकी वेलोसिटी तब्दील तो हो रही है बट यूनिफॉर्मली तब्दील हो रही है, यानी कि इक्वली तब्दील हो रही है। देखा जाए तो 2 मीटर पर सेकेंड 1 घंटे में ट्रेवल किया, फिर यहाँ से 1 किलोमीटर 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा तो यहाँ से 1 घंटा वक्त में बढ़ गया, फिर यहाँ से वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकेंड मजीद इजाफा हुआ तो यहाँ से घंटे में भी मजीद इजाफा हो गया, यानी कि ये जो है ये डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं। जिस तरह से वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है इस तरह से आपका टाइम भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पास जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, और ये भी रिप्रेजेंट करता है अगर ग्राफ की लाइन स्ट्रेट हो और ओरिजिन के साथ मैच करे और ओरिजिन के साथ से गुजरे तो ये आपको ये भी बताती है कि सिचुएशन में आपका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। हाँ, चूंकि एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो चुका है ना, तो हमें एक्सेलरेशन को ही कहना पड़ेगा कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो पॉजिटिव है। अब अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात करूँ, तीसरी कंडीशन इस तरह से फर्ज कर लीजिए कि तीसरी कंडीशन में इस तरह से होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो वक्त के लिहाज से, फर्ज कर लीजिए कि ये आपकी जो है ये वेलोसिटी है और ये जो चीज है आपका टाइम है, और आपकी जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से तब्दील हो रही है कि आपके पास जो ग्राफ आता है वो इस फॉर्म में आता है कि ओरिजिन से पास नहीं होता बल्कि इस तरह से एक लाइन आती है आपके पास। तो इस सिचुएशन में आप ये बताते हैं कि आपका एक्सेलरेशन, आपकी जो वेलोसिटी है वो तब्दील तो हो रही है, अभी भी यूनिफॉर्मली है, लेकिन इस सिचुएशन में आपके पास क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन, आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी को चलाएं और गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्मली स्पीड से जा रही है और अचानक आपको एक्सेलरेटर पर पावर आपका दबाना पड़े या ब्रेक लगानी पड़े तो फौरन जो आपका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी एकदम डिक्रीज करती है और वेलोसिटी एकदम डिक्रीज करने से एक्सेलरेशन तब भी प्रोड्यूस होता है लेकिन तब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास जो लाइन इस सिचुएशन में आती है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई एक सिचुएशन नंबर 4 इस तरीके से आ जाती है कि आपके पास वहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो इस सिचुएशन में आ जाए कि ओरिजिन से तो मैच करे और कर्व भी बने, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो कि आपकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, यानी कि वो वक्त के लिहाज से इक्वली चेंज ना हो, इस तरह का सिचुएशन हो जाए कि उसने 2 मीटर पर सेकंड दो घंटे में तय किया है तो आगे जब 3 मीटर पर सेकंड हुआ तो वो उसने 6 घंटे में ट्रेवल कर लिया है या 4 घंटे में कर लिया है, यानी कि आपस में डेविएट करना शुरू हो जाए, चीज़ डायरेक्टली चेंज ना हो, तो उसी सिचुएशन में जो है आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो वो एक्सेलरेशन जो है वो इस तरह कर्व फॉर्म में बना देता है। और मैं बार बार एक्सेलरेशन का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि आपने एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो स्लोप से फाइंड आउट करनी है। आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, इस डायरेक्शन में ले लेंगे या इस डायरेक्शन में ले लें, ये चीज़ आपके पास परपेंडिकुलर है और ये चीज़ आपके पास बेस, तो जो स्लोप है आपको मालूम है कि स्लोप जो है वो टेन थीटा के इक्वल होती है और जो टेन थीटा है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है। तो इस सिचुएशन में हमारा परपेंडिकुलर वेलोसिटी और बेस टाइम है, तो ये जो चीज़ है ये पैरामीटर एक्सेलरेशन के इक्वल है,
तभी मैं बार बार कह रही हूँ कि जो कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, जो भी हमारे पास कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, ओरिजिन से पास करे या ना पास करे, तो उस सिचुएशन में हम कोई भी दो पॉइंट्स लेकर उसकी स्लोप बता सकते हैं। फर्क पता कहाँ पड़ेगा? फर्क इस पॉइंट पर पड़ेगा जब हमारे पास वेलोसिटी बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो। तो इस सिचुएशन में चूंकि कोई स्ट्रेट लाइन बनती ही नहीं, या कोई भी कर्व लाइन नहीं बनती, कोई भी स्लोप नहीं बनती, तो जब स्लोप नहीं आती तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होता। यहाँ पर एक्सेलरेशन के जीरो होने की वजह ये भी है कि आप बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में आपकी जो स्लोप है जीरो है, क्योंकि स्लोप हमेशा टेंजेंट से आती है, जिसमें आपको दो पॉइंट्स होना एक लाइन के ऊपर जरूरी है। इस स्ट्रेट लाइन में कभी भी आप स्लोप जो है वो नहीं बना सकते। और बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो स्लोप है वो एक किस्म की ट्रायंगल होती है। लेट्स सपोज कि मैं आपको इस ग्राफ की हेल्प से जो है वो समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखिए, तो लेट्स सपोज कि पॉइंट ओ है, ये ए, देन बी, फिर ये सी, सी से ये डी, ठीक है जी। अब ओ से लेकर ए तक जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमें ये बता रही है कि हमारी वेलोसिटी तो तब्दील हुई, और वेलोसिटी तब्दील होने से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, ओ से लेकर ए तक जो एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव भी है, और इस सिचुएशन में जो हमारी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म भी है। यानी कि ये दो पॉइंट हमें मालूम चाहिए। उसके बाद जब हम ए से लेकर बी तक की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर तो कोई स्लोप बन ही नहीं सकती, मतलब कि हमारी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मैं इसी तरह से लिख लूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। अब अगर अगले पॉइंट की बात की जाए, डी से लेकर सी तक, तो ये आप देखें तो ये इस तरह से लाइन आ रही है। इसका मतलब ये ओरिजिन से नहीं पास करती, बल्कि ये स्ट्रेट तो है मगर नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पर आप कहते हैं कि आपकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी के डिक्रीज डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी के डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तब भी होता है, क्योंकि वेलोसिटी तो तब्दील हो रही है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद अगर मैं सी से डी की बात करूँ, तो ये कर्व आता है। कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? कर्व ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वेलोसिटी है जी, वो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पे भाड़ा है, कभी कम हो रहा है, कभी भाड़ा है। इस तरीके से आपके पास जो है एक ग्राफ आ जाता है, और इस ग्राफ को आप दौराने सफर इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं कि भाई जो मैंने फासला ट्रैवल किया है, या मैंने ये जो सफर किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके दौरान मेरी गाड़ी की जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है, बल्कि वेलोसिटी कहना चाहिए, वेलोसिटी इस तरीके से तब्दील हो रही थी, और इस तरीके से मेरे पास किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, और कभी मेरी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती थी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो इस तरीके से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, या जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हमें अपने ट्रैवल्स वगैरह को बताने के लिए, गाड़ी की स्पीड वगैरह को बताने के लिए, ये बताने के लिए कि किसी इलाके से किसी इलाके तक जाने के लिए आपकी स्पीड कितनी हो सकती है, या कितना आपको वहाँ पर डेविएशन देखने के लिए मिल सकती है, कहाँ पर आपकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो सकती है, कहाँ पे इंक्रीज करेगी, कहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें ग्राफ से मिलती है, जिसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं। तो सो आपको काफ़ी हद तक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों के बारे में समझ आ चुका होगा। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि ये टर्म्स कब यूज होती है और इनका मतलब क्या है।